के नाला सफाई कार्य पर सवाल या निशान लगाते हुए भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है। जिला मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर भारतीय मजदूर संघ मैनपुरी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अरुण चौहान के साथ भारतीय मजदूर संघ के अन्य पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह को एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें बताया है कि नगर पालिका द्वारा नालों की सफाई का ठेका प्रतिवर्ष लाखों रुपयों में दिया जाता है, लेकिन शहर के अन्य स्थानों की अपेक्षा नगर के बड़े चौराहे से लेकर करेल रोड चौकी के पास पवन सुत मंदिर तक सड़क के दोनों ओर की सफाई नहीं कराई गई है। इस संबंध में कई बार शिकायत भी दी गई, लेकिन फिर भी नालों की सफाई नहीं की गई। वहीं चेयरमैन व ठेकेदार इस शिकायत को हवा हवाई में उड़ाने का काम कर रहे हैं। नालों की सफाई न होने से यहां के रहने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जल निकासी न होने से भारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष ने शिकायत के बाद क्या कुछ बताया है, अब जरा ये भी सुनिए। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अरुण चौहान, भारतीय मजदूर संघ का जिला अध्यक्ष। आज आप एसपी कार्यालय आए हुए हैं, किस शिकायत को लेकर आए हैं? हमने डीएम महोदय को प्रार्थना पत्र दिया है। मैनपुरी में जो है, कम से कम मैं देख रहा हूँ 4 साल से बहुत से नालों की सफाई नहीं हुई, जबकि हर साल इनका टेंडर होता है लाखों रुपए का। पिछली बार भी हमने इस संबंध में शिकायत की, डिप्टी सीएम से भी शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं, ऊपर से कार्रवाई होकर आती, नीचे आके सब समाप्त हो जाता है। उसमें रिपोर्ट लग जाती है कि नहीं साहब कार्रवाई हुई, काम सफाई हुआ, लेकिन सफाई वाई कुछ नहीं होती है। अभी चल के आप देख सकते हैं कि सारे नाले के नाले गंदे पड़े हुए हैं। तो अभी आप मिले, अभी उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है? ये कहा कि ठीक है, हम इसकी जांच करा लेते हैं। मैंने कहा जांच कराना है तो आप आ जाइए करेल रोड पे, मैंने स्पेशली लिख के दिया हुआ है, करेल चौराहे से लेके उसे बड़े चौराहे से लेके और पवन सद स्कूल तक 4 साल से मैं देख रहा हूँ कि एक भी उसमें जो है मैला नहीं निकाला गया एक भी दिन। मैं चाह रहा हूँ कि उसकी सफाई हो और जाँच करी जाए कि जिन जिन नालों के टेंडर हुए थे उन नालों की सफाई हुई है कि नहीं हुई है। इस बार जरूर थोड़ा सा डीएम साहब का थोड़ा प्रभाव रहा है तो मेन रोड के जो है नाले कोरोना के टाइम में साफ हुए, बाकी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। जो नाले अंदर हैं उनमें बिल्कुल सफाई नहीं हुई।